हेलो फ्रेंड्स, आज आप जानेंगे कि माहवारी की समस्या आखिर क्या होती है। क्या आपको भी इस माहवारी यानी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? और आप इस माहवारी यानी पीरियड्स की समस्या से कैसे बच सकते हैं? सभी के मन में एक सवाल उठता है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। तो गाइस, इस सवाल को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आज के दौर में इंसान इससे भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। उसके भी मन में यही सेम सवाल है कि आखिर ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पीरियड्स मिस होने के आपके कारण क्या हो सकते हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बच्चा पालने में सहायता करती है। अगर महिलाएं गर्भवती नहीं होती है तो उसकी बच्चेदानी की परत हर महीने खून के जरिए बाहर निकलती रहती है, और ये प्रक्रिया उनके साथ हर महीने उसी टाइम पर होती रहती है। इसे पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म कहा जाता है। कई कारणों से ऐसी समस्याएं हो जाती है कि मासिक धर्म कम आते हैं यानी कि पीरियड्स कम आते हैं, पीरियड्स में अधिक खून आता है, या फिर पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आते, या फिर टाइम पर नहीं आते। तो आज आप जानेंगे कि आखिर ये सभी समस्याएं आपके साथ क्यों होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स मिस होना क्या है। पीरियड्स टाइम पर ना होना, ये समस्या ज़्यादातर उन महिलाओं के साथ होती है जो बच्चा पैदा करने लायक उम्र में हो जाती है। इन महिलाओं के पीरियड 21 से 35 दिन के अंदर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 35 दिनों से ज़्यादा देर भी लग जाती है, और इससे जुड़ी समस्याएं भी हो जाती है। पीरियड्स न होना किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स मिस होने के आखिर क्या कारण हो सकते हैं। पीरियड्स मिस होने के सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। जिन लड़कियों को पहली बार पीरियड्स हुए हैं और जिन महिलाओं की मेनोपॉज की उम्र है, उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, और जिसके कारण उनके पीरियड्स कभी कभी टाइम पर नहीं हो पाते, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां ज़्यादातर लेने के कारण भी पीरियड्स की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्रकार के ट्यूमर के कारण भी हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और महिलाओं को मासिक धर्म नहीं हो पाता। इसके अलावा होता है PCOS। इसका मतलब होता है कि पीरियड्स न होने का सबसे आम कारण होता है। इसमें ऐसा होता है कि अंडाशय का सही से काम ना कर पाना, या फिर अंडाशय में गांठें या छोटी छोटी सिस्ट हो जाना, जिसके कारण महिलाओं के मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स पर असर पड़ता है। साथ ही प्रेगनेंसी में भी काफ़ी दिक्कतें आती है, या फिर एक्सरसाइज करने से। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट हैं तो आपको पीरियड्स ना होने की समस्या हो सकती है। इससे महिलाओं में ऊर्जा की कमी और हड्डियों की कमजोर होने की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ या थायराइड। जिन महिलाओं को शुगर होता है उन्हें पीरियड्स मिस होने की संभावना अधिक होती है। थायराइड हार्मोन्स भी इसमें एक भूमिका निभाने का कार्य करता है। अगर शरीर में पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स नहीं बनता तो ये हार्मोन्स के स्तर को असंतुलित कर देती है, जिसके कारण पीरियड्स मिस हो जाता है। इसके अलावा पीरियड्स टाइम पर ना आने का एक कारण और होता है, जब महिलाएं बच्चे को स्तनपान कराती है। ऐसे में उनके खून में प्रोलैक्टिन का स्तर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे उनके पीरियड्स टाइम पर नहीं आ पाते। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, इससे पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्य पर असर पड़ता है, जिससे आपके पीरियड्स में बदलाव आ जाते हैं और आपको पीरियड्स में होने वाली दिक्कतें भी होने और इससे आपको पीरियड्स में होने वाली दिक्कतें भी
शुरू हो जाती हैं। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है यानी कि तेजी से वजन बढ़ रहा है, इससे भी आपके पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा असर आता है। और अगर आप ठीक तरह से खान पान नहीं करते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो इससे भी आपके पीरियड्स पर काफ़ी असर पड़ता है। तो गाइस, आज मैंने आपको बताया है कि आपके पीरियड्स मिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके उपचार के बारे में और कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी कि आप पीरियड्स मिस होने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि अपने पीरियड्स को टाइम पर ला सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा।